नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव से पहले दिया गया और पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने को लेकर राहुल गांधी ने एक माहौल बनाया था। हालांकि उनका ये कार्ड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जो हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, उन चुनाव में नहीं चला और कांग्रेस को जनता ने बुरी तरह नकार दिया और यहां तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर आ गई। अब उसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी का ये कार्ड महज चुनावी कार्ड था और इससे उनका कोई सरोकार नहीं है, या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में ही नहीं चल रही है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है, कुछ नए महासचिवों की नियुक्ति की है और जो पुराने महासचिवों के साथ मिलाकर जो एक नई टीम बनी है उनको राज्यों का प्रभार सौंपा गया है। लेकिन इस लिस्ट में जो खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनकी जो नई सेना है, उनकी जो नई टीम है, उसमें या तो राहुल गांधी की सुनी नहीं गई है या राहुल गांधी ने अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं की है। अगर इस लिस्ट पर आप नजर डालेंगे तो इस लिस्ट में सिर्फ एक ओबीसी उम्मीदवार को या एक ओबीसी कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी के जगह मिली है। अब इस लिस्ट पर इसीलिए सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इस नारे का क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी के अपने संगठन में ही इस पर कांग्रेस पार्टी क्यों अमल नहीं कर रही है? क्या राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में, अपने ही संगठन में ओबीसी लोगों को न्याय या हक नहीं दिलवा पा रहे हैं? क्या खड़गे साहब राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं या सिर्फ राहुल गांधी का ये जो बयान है सिर्फ एक दिखावा है? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं और इस लिस्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए। कल जो कांग्रेस पार्टी की नई लिस्ट आई है उसमें 12 नियुक्तियां की गई है और इन 12 नियुक्तियों में सिर्फ एक ओबीसी कैंडिडेट को जगह मिली है। कांग्रेस ने ये जो बदलाव है, आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये लोग बड़ा बदलाव किया था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई टीम का ऐलान किया जिसमें सचिन पायलट को एक महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए पार्टी का महासचिव बनाया गया, लेकिन उन्हें छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से एक आदिवासी बहुल राज्य में प्रभारी बनाकर भेज दिया। इस पर भी सवाल खड़े हुए कि सचिन पायलट का ये डिमोशन है या फिर प्रमोशन है, क्योंकि वो राजस्थान में सक्रिय रहना चाहते थे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री की रेस में थे और उनको उठा के छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आपने भेज दिया। तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये प्रमोशन किया गया है पायलट का या डिमोशन है। हालांकि पायलट ने इस पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें महासचिव बनाया गया है। कहा यह गया कि इस बार भी इसमें गहलोत की चली है और पायलट को एक तरह से, क्योंकि गहलोत वही राजस्थान में रह गए। दूसरा इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम था, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ, वो प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी पहले भी पार्टी की महासचिव थी, महासचिव पद से तो उन्हें हटाया नहीं गया लेकिन यूपी का प्रभार उनसे छीन लिया गया और यूपी का प्रभार छीनने का मतलब ये है, इसको अब अमित मालवीय ने भी इस पर चुटकी ली और उन्होंने कहा कि ये प्रियंका गांधी की इस डिमोशन को आप इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो दो खेमे हैं कांग्रेस के भीतर, राहुल गांधी के खेमे को मजबूत होने का मौका मिला है प्रियंका गांधी को हटाने से। इस तरह की एक चुटकी अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए, एक्स करते हुए उन्होंने ली। तो ये जो नियुक्तियां थी इस पर, इस सूची में जो दो नियुक्तियां थी इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठा कि ओबीसी को दरकिनार कांग्रेस पार्टी ने अपने इस संगठन में क्यों किया? अगर वो ओबीसी को हक दिलवाना चाहते हैं, राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप याद करिए, राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जितने पत्रकार हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इनमें से कितने ओबीसी हैं, आप हाथ खड़े करिए। और तब अगर पत्रकारों के बीच, मतलब राहुल गांधी अगर ओबीसी तलाश रहे, पिछड़ा वर्ग के लोग तलाश रहे हैं, तो अपने संगठन में ओबीसी के लोगों को क्यों नहीं तलाश रहे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि हमारा ये मानना है वीके न्यूज़ का और मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि योग्यता जाति आधारित नहीं होनी चाहिए। अगर योग्य व्यक्ति है तो किस जाति का, इसे नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि राजनीति की बिसात जातीय वर्ग के आधार पर बिसाई जाती है तो ये राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है। लेकिन ये दोहरा मानदंड क्यों कि पत्रकारों के बीच आप पिछड़ा वर्ग के कितने हैं, ये तलाशें
और अपने ही संगठन की जब सूची आपकी आए तो उसमें सिर्फ एक ओबीसी कार्यकर्ता को आप जगह दें, तो क्या ये दोहरा मानदंड नहीं है? ये सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, और सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि खड़गे जी आपकी सुन नहीं रहे हैं या आप जानबूझकर ओबीसी को नेतृत्व नहीं देना चाह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब पिछड़ा वर्ग के अनदेखी का आरोप राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पर लगा हो। इससे पहले जब 3 राज्यों के चुनाव हुए तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव ने इस्तीफा देते हुए बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि ओबीसी की अनदेखी टिकट वितरण में भी की जा रही है। राहुल गांधी ने ऐलान किया था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हमें भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है? अगर टिकट वितरण में देखा जाए तो ओबीसी को कम टिकटें क्यों दी गई है? ये सवाल अजय सिंह यादव ने उठाया था और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि पहली जब सूची आई थी 144 उम्मीदवारों की उसमें सिर्फ 39 उम्मीदवार, मतलब लगभग 26% उम्मीदवारों को ही ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया था कांग्रेस पार्टी ने। उस पर अजय यादव का गुस्सा फूटा था, अजय सिंह यादव का, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि मैं पिछले महीने की बात करूं, जब उत्तर प्रदेश में अजय राय जो वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान किया था, तो उसमें अच्छी खासी तादाद में ओबीसी के जो लोग हैं उनको समाहित किया गया था। इस लिस्ट में 130 कुल पदाधिकारियों को सम्मिलित किया गया था जिसमें से 43 से ज़्यादा पदाधिकारी ओबीसी वर्ग के थे। तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आपने जगह दी, लेकिन बाकी जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है उसमें क्यों आप ओबीसी को जगह नहीं दे रहे? इस पर कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि एक भी मुसलमान क्यों नहीं है? क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोट चाहिए, संगठन में मुसलमान नहीं चाहिए? तो इस पर भी कल सवाल उठाए गए एक्स हैंडल पर कुछ लोगों ने ट्वीट करके। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग की बात करती है, ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने की बात करती है, उनके हक की बात करती है, जातिगत जनगणना की बात करती है, तो जातिगत जनगणना करा के वो करना क्या चाहती है? क्योंकि खुद के पार्टी के भीतर ही आप ओबीसी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, हक नहीं दिला पा रहे हैं, तो देश में आपकी सरकार बन जाएगी या बाकी जो राज्यों में आप संगठन के मुताबिक सत्ता में रहेंगे तो वहाँ कैसे आप न्याय दिला पाएंगे? ये सवाल अब राहुल गांधी के ऊपर खड़ा होने लग गया है इस लिस्ट के आने के बाद। ये भी एक सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जनता के बीच में जाकर बयान कुछ और दे रहे हैं और पार्टी फैसला कुछ और कर रही है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कल टीम बनाई उसमें सिर्फ एक ओबीसी नेता को मौका दिया गया, जबकि राहुल गांधी जगह जगह जाकर ओबीसी वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने की, उन्हें राजनीति में ज़्यादा हैसियत देने की, हिस्सा देने की बात करते रहते हैं, लेकिन खड़गे साहब जो है वो अपनी अलग ही राह चल पड़ रहे हैं। अब खड़गे की टीम जो है, ये नई टीम क्या चुनौती बन सकती है आने वाले चुनाव में? क्योंकि राहुल गांधी के जो बयान हैं उनका असर पार्टी के भीतर ही पड़ता नहीं दिख रहा है। खड़गे साहब ही राहुल गांधी के बयानों को संजीदा तौर पर लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो विपक्ष इस बात को बड़ा मुद्दा तो बनाएगा चुनाव में, और चुनाव में इस बात का असर जो है वो देखने को मिलेगा। वैसे अगर हम सियासी रूप से देखें तो राहुल गांधी के लिए अब खड़गे जो है वो बड़ी चुनौती बनते देखे जा रहे हैं। पिछले दिनों याद कीजिए जब इंडी गठबंधन की बैठक हो रही थी तो राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए खड़गे के नाम को आगे कर दिया, और उसके बाद विपक्षी दलों में से कुछ ने इस पर अपनी सहमति भी जता दी। तो वहां पर भी खड़गे जो है राहुल गांधी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर और राहुल गांधी फिर से एक भारत जोड़ो यात्रा की वो तैयारी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के लिए फिर से निकलने का वो प्लान बना रहे हैं, और जब भारत जोड़ो यात्रा में जनता के बीच जाएंगे तो क्या जवाब देंगे लोगों को? क्योंकि उन्होंने पिछली भारत जोड़ो यात्रा में और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को कई बार उठाया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो लोग तो उनसे सवाल पूछेंगे, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के वर्कर ही पूछेंगे, क्योंकि एक्स पर कांग्रेस पार्टी के वर्कर ही उनसे पूछ रहे कि ये जो लिस्ट है इसमें नया क्या है। सारे के सारे पुराने लोगों को उठा के, जो अकर्मण्य लोग हैं जिन्होंने कोई राज्य नहीं जिताया है आपको, उनको फिर आपने मौका दे दिया, और जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है उनको आपने मौका क्यों नहीं दिया? ये लोग कांग्रेस पार्टी से ही पूछ रहे, तो फिर राहुल गांधी से पूछा जाएगा तो इसका जवाब वे क्या देंगे? ये बड़ा सवाल है।
तो ये अभी राजनीतिक फिजा में सवाल तैरने लगा है कि क्या कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की जो सूची आई थी उसमें उत्तर प्रदेश में ओबीसी को तो मौका दिया गया था, लेकिन महिलाओं की अनदेखी वहां पर हुई थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव को अगर आप याद करें तो प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उन्होंने कहा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, चुनाव में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह उनकी थीम थी चुनाव प्रचार की। लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी को भी यूपी से बाहर कर दिया गया, जिसने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, और लड़कियों को तो मौका ही नहीं मिला है। जो नई कार्यकारिणी अजय राय ने अपने गठन किया है उसमें बहुत कम महिलाओं को मौका दिया गया है। तो जो एक महिला आरक्षण की आप बात करते हैं, 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो वो भी आपका जो कार्ड है वो भी फेल दिख रहा है। क्योंकि इस सूची में भी जो महासचिव की जो सूची आई है इसमें भी महिलाएं जो है, महिलाओं की तादाद जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो जो कांग्रेस की कथनी और करनी है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।